स्टूडेंट सो आई होप आपने लेक्चर 05 देखा है, तो उसमें कंप्लीट थ्योरी वी हैव कवर्ड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सम सॉल्व सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल. सो हियर आई हैव रिटन दिस न्यूमेरिकल. थ्री चार्ज पार्टिकल आर अरेंज इन अ लाइन एज शोन इन फिगर बिलो. तो इस तरीके से तीन चार्जेस को एक स्ट्रेट लाइन में हमने अरेंज किया है. चार्ज ए गिवन है -5 माइक्रोकूलम, बी इज ऑल्सो गिवन +10 माइक्रोकूलम, सी इज गिवन -12 माइक्रोकूलम. हमको बोला है कि कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पार्टिकल बी ड्यू टू अदर टू चार्जेस. तो पार्टिकल बी पर हमको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है बिकॉज ऑफ चार्ज एट ए एंड बिकॉज ऑफ चार्ज एट सी. तो सी और ए की वजह से नेट फोर्स इस पॉइंट बी पर कितना होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है. ओके तो डेटा ऑलरेडी मैंने लिख दिया है यहां पे कि चार्ज एट ए -5 माइक्रोकूलम है, तो इसको मैंने कूलम में कन्वर्ट किया -5 × 10⁻⁶. चार्ज एट बी +10 माइक्रोकूलम है, इसको कूलम में कन्वर्ट किया. चार्ज एट सी को कूलम में कन्वर्ट किया. और डिस्टेंस भी इस डायग्राम में मेंशन है कि ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, तो मैंने लिख लिया है डिस्टेंस ऑफ ए टू बी 6 सेंटीमीटर. इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, 6 × 10⁻²⁺ मीटर. एंड सिमिलरली ये सी से बी का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻²⁺ मीटर. मैंने इसको SI यूनिट में कन्वर्ट किया. तो नाउ लेट अस सी कि इसको सॉल्व कैसे करना है. तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि जो चार्ज इस पॉइंट ए पर है, ये जो चार्ज एट ए है, इसकी वजह से पॉइंट बी पर या इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा, ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूं. सॉल्यूशन. सो वेरी फर्स्ट थिंग, आई विल कैलकुलेट फोर्स ऑन दिस पॉइंट बी बिकॉज ऑफ चार्ज एट पॉइंट ए. सो लेट अस कैलकुलेट फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ चार्ज एट ए. सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इट विल बी 1/4πε0 इंटू चार्ज एट ए इंटू चार्ज एट बी डिवाइडेड बाई ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस आर ए बी इसका स्क्वायर. तो कूलम्स लॉ यूज करके मैंने ये फॉर्मूला लिखा है. अब 1/4πε0 की वैल्यू ये कितनी होती है, सो 9 × 10⁹. ओके 1/4πε0 की वैल्यू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट ए. सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट ए, सो माइनस नहीं लगेंगे, इट विल बी ओनली 5 × 10⁻⁶. सो इट इज 5 × 10⁻⁶ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट बी. तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट बी है 10 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस विच इज गिवन 6 सेंटीमीटर. तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻²⁺ ब्रैकेट स्क्वायर. अब ये सारी वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द आंसर एज, आपको जो आंसर मिलने वाला है एफ ऑफ बी ए, यू विल गेट दिस इज 125 न्यूटन. ये मिलेगा आपको फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ चार्ज एट ए. नाउ सिमिलरली अब मैं फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ सी कैलकुलेट कर लेता हूं. सो लेट मी राइट फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ सी. सो सेम फॉर्मूला आई विल राइट 1/4πε0 इंटू चार्ज एट सी इंटू चार्ज एट बी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इसका स्क्वायर. ओके नाउ अगेन आई विल कीप द वैल्यूज. सो 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट सी. तो कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट सी, इसका मैग्नीट्यूड सो 12 × 10⁻⁶ 12 × 10⁻⁶ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट बी, इट इज 10 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय आर सी बी. तो ये डिस्टेंस है सी से बी का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, तो मैं इसको लिखूंगा 4 × 10⁻²⁺ मीटर इसका स्क्वायर. तो ये आ गया एफ बी सी. और इसको सॉल्व करोगे आप तो ये वैल्यू मिलने वाली है एफ ऑफ बी सी 675 न्यूटन. लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो
ये आ गई दोनों फोर्सेस की वैल्यू एट पॉइंट बी पर। तो क्लियरली एक बात तो दिख रही है यहाँ पे कि ये जो एफ ऑफ बी सी है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइड में, फ्रॉम वन एंड टू, ये दिख रहा है मुझे कि फ्रॉम वन एंड टू इट इज क्लियर दैट ये जो एफ ऑफ बी सी है इट इज ग्रेटर देन एफ ऑफ बी ए, करेक्ट। तो अगर एफ ऑफ बी सी ग्रेटर देन एफ ऑफ बी ए है तो नेट फोर्स कितना होगा फिर? तो एफ नेट जो बी पर होगा, एफ नेट एट बी, ये कितना होगा? तो डेफिनेटली इट विल बी एफ ऑफ बी सी माइनस एफ ऑफ बी ए। तो ये वैल्यू इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो नेट फोर्स मैं कैलकुलेट करता हूँ फिर, तो एफ नेट एट बी ये हो जाएगा एफ ऑफ बी सी माइनस एफ ऑफ बी ए। सो वैल्यूज रख देते हैं फिर, एफ ऑफ बी सी 675 और 675 माइनस 675 माइनस इट इज 125 न्यूटन। तो फाइनल आंसर हुआ फिर हमारा 550 न्यूटन। ये आ गया नेट फोर्स एट पॉइंट बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सो वी आर गिवन अ स्क्वायर विथ साइड एक्स, सारी साइड इक्वल होगी और सारे वर्टेक्स पे चार्ज क्यू रखा है, ओके और हमको बोला है कि फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर हमको कैलकुलेट करना है नेट फोर्स। तो कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले मैं इनको मार्क कर देता हूँ। सो लेट्स से दिस इज 1.1, 0.2 एंड 0.3। तो ये जो 0.1 और 0.3 जो है, इनका डिस्टेंस इस पॉइंट ए से बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से लगने वाला फोर्स भी इस पॉइंट पर सेम होगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो पहले 1 और 3 की वजह से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ फोर्स एट ए बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एट पॉइंट वन, और ये होगी इसकी डायरेक्शन, और ये है फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ पॉइंट वन, ओके। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो आई एम राइटिंग द सॉल्यूशन, और ये है फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ पॉइंट वन, और ये होगा 1/4 pi epsilon naught, मैं कॉन्स्टेंट सी लिखता हूँ डायरेक्टली, एंड अ चार्ज एट दिस पॉइंट क्यू इंटू दिस चार्ज क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू क्यू इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, ये है एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया फोर्स एट ए बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एट वन, ओके। नाउ लेट मी कैलकुलेट फोर्स ऑन दिस पॉइंट ए बिकॉज ऑफ दिस चार्ज विच इज सिचुएटेड एट पॉइंट नंबर 3। तो ये होगी फोर्स की डायरेक्शन, और यहाँ पे लगने वाला फोर्स, लेट्स से दिस इज फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट 3। तो मैं इसको भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा फोर्स एट ए बिकॉज ऑफ पॉइंट 3, सो सी विच इज कॉन्स्टेंट इंटू दिस चार्ज क्यू इंटू क्यू इट इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, सो ये हो गया एक्स स्क्वायर। नाउ लुक एट दिस टू फोर्सेस, लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2, अगर दोनों को देखोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एफ ऑफ ए वन दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए थ्री, और इसको मैं कोई वैल्यू एफ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट की वजह से तो मैंने फोर्स कैलकुलेट कर लिया है। नाउ लेट अस कैलकुलेट फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज विच इज एट पॉइंट 2। सो इसकी वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन होगी पॉइंट ए पर, वो होगी डेफिनेटली ये डायरेक्शन। सो ये है, सो दिस इज अ डायरेक्शन, तो ये है फोर्स एट पॉइंट ए बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट नंबर 2। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसके लिए हमको चाहिए ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? सो पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये डिस्टेंस आएगा रूट टू एक्स, ये आ जाएगा रूट टू एक्स। तो डिस्टेंस मिल गया, लेट अस कैलकुलेट द फोर्स। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ फोर्स एट पॉइंट ए बिकॉज ऑफ दिस 2, ये आएगा अगेन सी इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज रूट टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब एफ ए 3 इस डायरेक्शन में है, एफ ए 1, तो तीनों फोर्सेस की डायरेक्शन आपको दिख रही है कि ये अलग अलग है। अब हमको तो कैलकुलेट करना है नेट फोर्स, ठीक है। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं एफ ऑफ ए 3 और एफ ऑफ ए 1 का नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये दोनों पॉइंट का नेट फोर्स मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये दोनों पॉइंट का नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए आई विल राइट एफ नेट
एफ नेट बिकॉज ऑफ वन एंड थ्री, वन एंड थ्री का नेट फोर्स, सो फॉर्मूला दैट वी नो वेरी वेल इट इज, और इसको मैंने एफ ए थ्री और एफ ए वन को क्या माना है, तो मैंने इसको एफ माना है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसको एफ मैंने माना है, तो चलो पहले एक बार मैं लिख लेता हूँ. सो ये हो जाएगा एफ ए वन स्क्वायर प्लस एफ ए थ्री स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एफ ए वन इंटू एफ ए टू इंटू कॉस थीटा. और ये थीटा क्या है, तो इट इज़ द एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस, एफ ए थ्री और एफ ए वन का बीच का एंगल. तो ये दिख रहा है कि ये कितना, ये 90 डिग्री है. तो ये वाली टर्म कॉस 90 तो कंप्लीट जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी. ओके, और एफ ए वन और एफ ए थ्री को मैंने एफ लिखा है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ. सो जो नेट फोर्स है बिकॉज ऑफ वन एंड थ्री, दैट आई कैन राइट अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट रूट टू टाइम्स एफ. ये आ गया एफ नेट बिकॉज ऑफ वन एंड थ्री. लेकिन मुझे एफ नेट बिकॉज ऑफ वन एंड थ्री नहीं चाहिए, मुझे तीनों फोर्सेस की वजह से नेट फोर्स चाहिए. अच्छा, ये एफ नेट वन थ्री किस डायरेक्शन में होगा, वट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस वन एंड थ्री? तो डेफिनेटली ये अलॉन्ग द डायगोनल होगा, यानी यहां पे होगा. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस एफ वन, एफ नेट ऑफ वन एंड थ्री. तो अब सारे फोर्सेस की वजह से नेट फोर्स मुझे कैलकुलेट करना है. तो मेरा फाइनल आंसर होगा, या रिजल्टेंट फोर्स जो मेरा होगा, एफ रिजल्टेंट, ये क्या होगा, तो इट विल बी द एडिशन ऑफ दिस एफ नेट ऑफ वन थ्री प्लस इसी के अलोंग है ये एफ ए टू. ये हो गया मेरा फाइनल आंसर. अब मैं सारी वैल्यूज को रख देता हूँ और फाइनल आंसर कैलकुलेट करता हूँ. सो ये एफ नेट ऑफ वन थ्री है मेरे पास रूट टू एफ प्लस, और ये कितना है एफ ए टू, तो एफ ए टू की ये वैल्यू है मेरे पास सी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर. यहाँ पे ये एफ की वैल्यू भी मैं रख देता हूँ, ये एफ की वैल्यू देखो यहाँ पे ये ए थ्री ए वन, तो इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे रूट टू इन टू. सो ये है सी क्यू स्क्वायर, सी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट टू एक्स स्क्वायर. कितना हो जाएगा ये, सो ये हो जाएगा रूट टू स्क्वायर इज टू इन टू एक्स स्क्वायर. नाउ टेकिंग सी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में बचा है रूट टू प्लस वन हाफ, और ये है मेरा फाइनल आंसर, ये है मेरा रिजल्टेंट ऑफ नेट फोर्स एट पॉइंट ए. प्रॉब्लम, सो थोड़ा प्रॉब्लम बड़ा है, थोड़ा सा पॉज करके आप एक बार इसको प्रॉपरली रीड कर लीजिए. ओके, सो लेट मी रीड. टू आइडेंटिकल बॉल ईच हैविंग डेंसिटी रो आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाई टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ बट बोथ दी बॉल हैव इक्वल मास एंड चार्ज. तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम दो बॉल को एक रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड कर दे, चार्ज और मास दोनों के इक्वल है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इस डायग्राम में मैंने बताया. तो डेफिनेटली ये थोड़ा एक दूसरे से दूर जाएंगे. ओके, हमको बोला है कि इन इक्विलिब्रियम ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा. अब ये इक्विलिब्रियम मीन्स ये आकर रुक गए ये बॉल यहाँ पे, तो ये दोनों ये जो स्ट्रिंग है इसके साथ एंगल कितना क्रिएट करते हैं, तो हमको बोला है कि ये एंगल कितना है, ये दोनों एंगल थीटा क्रिएट करते हैं, दोनों एंगल सेम होंगे. और हमको बोला है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है एल. ओके, नाउ बोथ द बॉल आर इमर्स इन द लिक्विड, एज द रिजल्ट द एंगल थीटा डज नॉट चेंजेस. हमको बोला है बाद में इस सेटअप को उठा के एक लिक्विड में डिप किया है जिसकी डेंसिटी हमको गिवन है कि ये सिग्मा उसकी डेंसिटी है. हमको पूछा है फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, तो जिस लिक्विड में इसको इमर्स करेंगे बाद में उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, यानी हमको एक्चुअल में कैलकुलेट करना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. मैं लिखता हूं यहां पे टू कैलकुलेट, हमको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ के जिस लिक्विड में इमर्स किया है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो पहला पार्ट में सॉल्व करता हूँ यहाँ तक, देखिए इमर्स करने के पहले तक की बात मैं करता हूँ. जब ये एयर में है तो डेफिनेटली इसका जो मास है इस बॉल का, ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा इस पोजिशन में, इसका जो वेट है
इसका जो वेट W इज इक्वल्स टू एम जी है, ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा और ये इंक्लाइंड है एट सर्टन एंगल थीटा, तो डेफिनेटली इसमें एक टेंशन होगा और ये जो टेंशन टी है ये रिजॉल्व होगा, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि वेट एम जी को बैलेंस करने के लिए इस टेंशन का कोई कॉम्पोनेंट ही हमको चाहिए। तो इसको रिजॉल्व करने के बाद ये रहेगा इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट जो कि एम जी को बैलेंस करने वाला है। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा और ये एक वट एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो रहेगा इट विल बी व्हाट टी साइन थीटा। और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, इसका जो वेट है एम जी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इसका वेट एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, फिर से हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा इसके टेंशन को और इसका एक कंपोनेंट रहेगा ये जो कि रहेगा टी कॉस थीटा और फिर से ये कंपोनेंट टी साइन थीटा, तो दोनों जगह पे सेम सिचुएशन रहेगी। ओके नाउ अब ये टी कॉस थीटा तो इस वेट एम जी को बैलेंस कर रहे हैं और टी साइन थीटा देखा जाए तो ये इस बॉल को अपनी मेन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा, यानी ये देखा जाए तो एक्चुअल में ये है फोर्स जिसको ऑसिलेशन में हमने रिस्टोरिंग फोर्स बोला है। तो मैं इस बात को नोट डाउन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये जो वेट है इसको बैलेंस कर रहा है ये टी कॉस थीटा, ये बैलेंस कर रहा है इस वेट एम जी को और ये जो टी साइन थीटा है यही एक्चुअल में फोर्स है जिसको हमने रिस्टोरिंग फोर्स भी बोला है। मैं दोनों को इक्वेशन वन मार्क कर लेता हूँ। ओके अब इस बॉल का अगर मैं मास m मान रहा हूँ और इसका वॉल्यूम अगर मैं v बोल दूँ तो वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकता हूँ? सो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, क्योंकि मुझे इसकी डेंसिटी गिवन है यहाँ पे, लुक एट इन द क्वेश्चन, ये डेंसिटी रो गिवन है तो मुझे डेंसिटी का काम पड़ने वाला है, तो मैं इसको डेंसिटी की टर्म्स में लिख लेता हूँ। सो अगर v इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ और डेंसिटी को हम लिखते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट है? सो मास को मैं लिख सकता हूँ फिर मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके और यही वैल्यू मैं इक्वेशन वन में रखता हूँ इसको, तो ये टी कॉस थीटा जो मिलेगा मुझे ये मिलेगा टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रो वी जी, ठीक है? इसको मैं बोल देता हूँ कोई इक्वेशन, मैं इसको इक्वेशन वन इसको बोल देता हूँ, ठीक है? सो अब मैं इक्वेशन वन को डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन टू से, तो मैं इक्वेशन टू को वन से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा इक्वेशन टू है फिलहाल टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा, दिस ये हो जाएगा टी साइन थीटा इज एफ डिवाइडेड बाय रो वी जी, ठीक है? तो ये टी से टी कैंसिल हुआ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा दिस इज इक्वल्स टू एफ बाय रो वी जी और यहां से मुझे फोर्स इन एयर मिल गया। एक्चुअल में देखा जाए तो ये फोर्स इन एयर ही है, ठीक है? तो ये फोर्स इन एयर मुझे मिल जाएगा, तो फोर्स इन एयर ये आ जाएगा फिर रो वी जी टेन थीटा, इसको मैं कुछ इक्वेशन कैपिटल ए मार्क कर देता हूँ, ठीक है? दिस इज इक्वेशन कैपिटल है। अब ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने फोर्स एयर कैलकुलेट किया है, तो अगर डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये है एफ ऑफ एयर डिवाइडेड बाय एफ ऑफ मीडियम दिस इज इक्वल्स टू के, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको समझ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी मैंने एफ ऑफ एयर कैलकुलेट किया है, नाउ आई विल कैलकुलेट एफ ऑफ मीडियम, दोनों का मैं रेशियो लूंगा तो मुझे मिल जाएगा डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, ठीक है? तो फिलहाल मैंने एफ ऑफ एयर कैलकुलेट कर लिया है जो क्या है रो वी जी टेन थीटा। नाउ अब मैं कैलकुलेट करता हूं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कि अब इस सेम सेटअप को उठा के अगर हमने एक लिक्विड में डिप कर दिया जिसकी डेंसिटी हमको गिवन है सिग्मा तो क्या होगा? तो डेफिनेटली जब हम रिलेटिव परमिटिविटी को डिस्कस कर रहे थे तब हमने बोला था कि अगर चार्जेस को उठा के हम किसी मीडियम में रख दे तो डेफिनेटली उनके बीच का जो फोर्स है वो मॉडिफाई हो जाता है, यानी देखा जाए तो कम हो जाता है, तो देखते हैं कितना कम होगा। सो जैसे ही मैं इन बॉल्स को उठा के डिप करूंगा पानी के अंदर तो इस पर एक अप थ्रस्ट, एक अपवर्ड फोर्स और बायंट फोर्स एक्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये बायंट फोर्स जिसको हम अप थ्रस्ट बोलते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है? सो इसकी वैल्यू होती है रो
डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी, ये होता है अप थ्रस्ट की वैल्यू। तो दोनों साइड यहां पर भी एक अप थ्रस्ट एक्ट होगा, ठीक है, यहां पर भी एक अपवर्ड फोर्स लगेगा। मैं लिख लेता हूं यहां पे कि ये जो अप थ्रस्ट है ये कितना होता है, सिग्मा वी इंटू जी, ये होता है अप थ्रस्ट। ओके, सो अब डेफिनेटली ये सारी इक्वेशंस मॉडिफाई होगी लिक्विड के अंदर, और अब न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस mg को जो बैलेंस करने वाले हैं, mg को पहले कौन बैलेंस कर रहा था, t cos थीटा बैलेंस कर रहा था, अब कौन बैलेंस कर रहा है, t cos थीटा प्लस दिस अप थ्रस्ट रो vg, अब ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं इस वेट को। ओके, तो मैं इस बात को लिख लेता हूं यहां पे कि अब कौन बैलेंस कर रहा है, तो t cos थीटा प्लस ये जो अप थ्रस्ट है जो कि है रो vg, ये दोनों मिलकर इस वेट को बैलेंस कर रहे हैं mg। ओके, और इसी m को मैंने लिखा है यहां पे, इसी m को मैं रो इंटू वी लिख सकता हूं। सो ये है t cos थीटा प्लस रो वी जी, और m को मैं लिख सकता हूं रो, ये है डेंसिटी ऑफ द बॉल इंटू जी। अब इसको सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा ये है t cos थीटा इज इक्वल टू रो वी जी को मैं इधर सॉरी सिग्मा वी जी को मैं शिफ्ट कर देता हूं तो मुझे मिलेगा रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी, लेट से इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर वन। ओके, और सिमिलरली यहाँ पे देखा जाए तो फोर्स तो ये टी साइन थीटा ही रहने वाला है, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसी के अलॉन्ग फोर्स भी होता है, तो फोर्स तो टी साइन थीटा, यानी टी साइन थीटा ये कंपोनेंट एक्चुअल में फोर्स का ही कंपोनेंट है, यानी फोर्स ही है ये, लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब मैं फिर से, लेकिन ये वाला जो फोर्स अब मैंने कैलकुलेट किया है ये फोर्स ऑफ मीडियम होगा, क्योंकि अब हम मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब एफ ऑफ मीडियम मैं यहां से कैलकुलेट कर लेता हूं। सो एफ ऑफ मीडियम कैलकुलेट करने के लिए मैं टू को वन से डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा फिर डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाई वन टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा दिस इज इक्वल्स टू, तो टी साइन थीटा है एफ ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय दिस रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी। ओके, सो ये टी से टी कैंसल, अगेन साइन थीटा बाय कॉस थीटा विल बी टेन थीटा, और ये कंप्लीट टर्म को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो फाइनली मुझे मिलेगा एफ ऑफ मीडियम दिस इज इक्वल्स टू, ये मिलेगा रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी इन टू टेन थीटा। तो ये मिल गया है फोर्स इन अ मीडियम, इसको मैं इक्वेशन कैपिटल बी मार्क कर लेता हूँ। सो अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब मैं ये दोनों वैल्यूज एफ ऑफ मीडियम और एफ ऑफ एयर की मैं इस फॉर्मूले में रख देता हूँ। सो दोनों वैल्यूज रखने के बाद मुझे इस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मुझे बोला था क्वेश्चन में यही मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देता हूँ। सो इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रखने के बाद मैं लिख लेता हूँ इसको, एफ ऑफ एयर कितना है, तो ये एफ ऑफ एयर की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ मैं। सो ये है रो वी जी टेन थीटा डिवाइडेड बाय, और एफ ऑफ मीडियम की ये वैल्यू, सो ये है रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी इंटू इन ब्रैकेट, और ये है टेन थीटा, और ये कितना है, तो दिस इज इक्वल्स टू के। ओके, सो यहाँ से टेन थीटा कैंसिल हुआ, और यहाँ से वी जी और यहाँ से वी जी इसको मैं कॉमन लूंगा, तो ये न्यूमरेटर और ये वी जी कॉमन लिया हुआ कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमको जो आंसर मिला है कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे है दिस इज रो डिवाइडेड बाय ये रो माइनस यहाँ पे बचा है सिग्मा, तो ये रहेगी वैल्यू उस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। दैट्स इट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में गिवन है कि 2 पॉइंट चार्ज दे आर अरेंज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, हमको पूछा है कि वेयर शुड थर्ड चार्ज बी प्लेस सो दैट इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स, तो ये दोनों चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन प्लेस है, हमको बोला है कि इनके बीच में थर्ड चार्ज कहाँ पे रखेंगे कि वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, यानी वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट से मैं इस पॉइंट पे उस चार्ज को प्लेस करता हूँ, लेट से कोई चार्ज प्लस क्यू नॉट को प्लेस करता हूँ जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में है। सो मान लेता हूँ कि ये डिस्टेंस ये चार्ज से इस एंड से x है, और मैं इसको पॉइंट A और इसको पॉइंट B बोल देता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अलग अलग होते तो फिर हमको ये पता होना जरूरी है कि हम x कहाँ से ले रहे हैं, छोटे चार्ज की तरफ से ले रहे या बड़े चार्ज की तरफ से ले रहे हैं। सो मान लो कि ये x डिस्टेंस पर ये चार्ज इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स, तो
मुझे ये एक्स कैलकुलेट करना है कि कितने डिस्टेंस पे ए से कितने डिस्टेंस पे मैंने इसको रखा है। ओके सो सबसे पहले मैं ये दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ, और बाद में इन दोनों के बीच में कैलकुलेट कर लेता हूँ, और बाद में दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। अब ये चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इसने जितना इस पर फोर्स लगाया और इस ए वाले चार्ज ने इस पर जितना फोर्स लगाया, ये एक्चुअल में इक्वल है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है ये एफ ए है, और ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है ये एफ बी है। ओके और डेफिनेटली इफ इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है एफ ए की, ये इक्वल्स टू एफ बी है, तभी तो इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। तो एफ ए कितना होगा, सो दैट वी नो वेरी वेल, इट इज 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू दिस चार्ज क्यू इंटू दिस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये कितना होगा, सो इट इज 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई, अब ये डिस्टेंस कितना बचा है देखिए, तो ये टोटल डिस्टेंस आर माना है मैंने, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डेफिनेटली इट विल बी आर माइनस एक्स। यहाँ से ये वाला डिस्टेंस ये हो जाएगा आर माइनस एक्स, तो इसको मैं लिखता हूँ आर माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, दैट्स इट। ये क्यू नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, और बचा है 1/x स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1/r-x ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ सॉल्व कर लेते हैं इसको, सो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x स्क्वायर। ओके इसको मैं 1/x ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको 1/r-x ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी ये स्क्वायर को स्क्वायर से मैं कैंसिल कर सकता हूँ। सो फाइनली r-x को मैं शिफ्ट करता हूँ r-x, और ये x इधर जाएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू x। सो r की वैल्यू हो गई ट्वाइस x, और x हो गया r/2, यानी मुझे x जो डिस्टेंस है वो इस साइड ए से r/2 डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, तब जाके इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। तो ऑब्वियस बात है, अगर ये इधर से r/2 है तो मैं इधर से ये वाला बी से भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा r-r/2, बी से भी कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। ये है फ्रॉम ए, ये है डिस्टेंस फ्रॉम ए। नाउ फ्रॉम बी कैलकुलेट करने के लिए आई हैव दिस डिस्टेंस r-x, तो r-x की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ r/2, तो ये हो जाएगा r/2, और ये डिस्टेंस होगा फ्रॉम बी। ओके दैट्स इट।